नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पुद्दार। लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों में अब समीक्षा का दौर चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी को लेकर एक सवाल उठ रहा है, जहां उन्हें इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिभूषण जी मौजूद हैं। सर, अभी बाबूलाल मरांडी को लेकर इस्तीफे की चर्चा हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से लोकसभा का रिजल्ट आया है, तब से आप देखिए सभी पार्टियों में एक दौर चल रहा, समीक्षा का चल रहा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। अब जो बीजेपी के अंदर हुआ है, खासकर आप दो तीन घटनाएं जो हुई, आप देखिए बीजेपी की 3 सीटें कम हुई हैं। बीजेपी सब क्या क्या हुआ है, 5 जो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, जो आरक्षित क्षेत्र थी, बीजेपी ने हार गई है। तो अब सबके निशाने पर कौन है, बाबूलाल मरांडी और जो महामंत्री हैं, संगठन मंत्री करमबीर सिंह प्रभारी, तमाम लोग निशाने पर हैं। और जो हमेशा बाबूलाल मरांडी के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के अंदर आप जानते हैं कई गुट और गिरोह है, सभी पार्टियों में, बड़ी पार्टियों में गुट और गिरोह है, वो तमाम लोग सक्रिय हो गए हैं, वो आंकड़े दे रहे हैं, गुस्सा में है और घेर रहे हैं कि आखिर बाबूलाल मरांडी को इसलिए बीजेपी में लाया गया था, फिर अध्यक्ष बनाया गया कि वो आदिवासी क्षेत्रों में और आदिवासियों के बीच में बीजेपी को लेकर जाएंगे, आदिवासी के एक बड़े चेहरे हैं। लेकिन जिस काम के लिए लेकर आया गया था, ना तो उपचुनाव में वो फिट पर बैठ पाए और ना ही लोकसभा चुनाव के दौरान जो उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी क्या थी, जिम्मेदारी ये था कि वो आदिवासी बड़े चेहरे थे और वो आदिवासियों के बीच में बीजेपी को ले जाकर एक जीत दिलाना, लेकिन वो 5 के 5 सीटें जो आदिवासी बहुल्य थी, बीजेपी हार गई। तो इस तमाम सारे तर्क दिए जा रहे हैं और उनसे एक जो गिरोह है, आप सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो लगातार जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहा है, उनसे मांग कर रहा है। और करमबीर सिंह जो संगठन मंत्री हैं, उन पर भी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर लगाया जा रहा है कि तमाम सारे ये लोग जो हैं इसी में बैठकर और सिर्फ जो है बड़े बड़े भाषण देते रहे, इन्होंने ज़मीन स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को के लिए काम नहीं किया, कार्यकर्ताओं की जो गुस्सा थी या नाराज़गी थी उन्हें जोड़ने का काम नहीं किया। और बाबूलाल मरांडी पर टिकट बंटवारे में भी कई तरह के आरोप लगाया गया कि इन्होंने JBM को, आपने देखा होगा, यशवंत सिन्हा आपको लगातार बाबूलाल मरांडी को लेकर हमला चुनाव के दौरान बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि देखिए बाबूलाल मरांडी क्या कर रहे हैं, वो बीजेपी में आने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद, वो लगातार जो JBM के कार्यकर्ता हैं, JBM के नेता हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। वो आंकड़े दे रहे थे कि देखिए धनबाद से धुलू महतो को टिकट मिला, वो कहाँ से आए हैं, JBM से, चतरा से कालीचरण सिंह को मिला, वो कहाँ से आए हैं, JBM से आए हैं, मनीष जायसवाल को मिला हजारीबाग से, वो कहाँ से आए हैं, JBM से आए हैं, और उसी गांडे उपचुनाव में दिलीप वर्मा को मिला, वो कौन है, वो बाबूलाल जी के नज़दीक JBM से आए हैं। तो इस वो तमाम जो है आंकड़े ये दे रहे थे और कह रहे थे कि बाबूलाल मरांडी, बल्कि जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, उनको आगे ना बढ़ाकर उनके साथ जो लोग JBM में रहे हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से पार्टी के अंदर एक जो है गुट हमेशा विरोध करते रहा है बाबूलाल मरांडी के अध्यक्ष बनने के बाद। अब क्या है कि और मौका मिल गया है, जब लोकसभा चुनाव में आपके पास जो 5 आदिवासी आरक्षित सीटें थी, 14 में से 5 जब बीजेपी की हार होती है बुरी तरीके से, दुमका से लेकर चाईबासा सीट से लेकर, आपको पता है कि लोहरदग्गा और राजमहल, तमाम जगह और सभी सीटों पर, 5 सीटों पर जब हार होती है, तो अब बोलने का मौका मिल गया और सवाल उठाने का भी होगा और इसका जवाब बाबूलाल मरांडी को देना होगा। और हमें कल भी आपने देखा कि जब वहाँ सांसदों के लिए बैठक रखा गया था रांची में, तब भी ये सवाल उनसे पूछा गया और ये कहा गया। तो लेकिन जो है अब बाबूलाल मरांडी इस सवालों को किस तरह से लेता है, बीजेपी किस तरीके से लेता है, अब कहा जा रहा है कि देखिए विधानसभा चुनाव आपके पास नज़दीक है, आपके पास वक्त नहीं है, आपको संगठन में या तो फेरबदल जो करने हैं तत्कालीन करने हैं, और माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो बीजेपी जो केंद्रीय नेतृत्व है इस नाराजगी को देखते हुए या तो फेरबदल करे, या तो फेरबदल इसलिए भी नहीं करेगी कि इससे गलत संदेश जाएगा, आपके पास दूसरा विकल्प क्या है, विकल्प के रूप में क्या है, अब विकल्प ये है कि बड़े चेहरे हैं अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री थे और उनकी हार हुई, क्या उन्हें संगठन में लौटाया जाएगा उनके जगह पर। तो ये तमाम सारे प्रयोग हैं, क्या बीजेपी करने की स्थिति में या नहीं, ये आने वाला वक्त होगा। लेकिन सवाल तो उठ गया है और उनके परफॉर्मेंस को लेकर, जो पहले जो लोग लुका छिपी धीरे से आवाज़ में अभी ये कर रहे थे, अब वो जोर जोर से सोशल मीडिया के अंदर और पार्टी के अंदर वो चिल्लाने लगे हैं प्रदेश नेतृत्व को लेकर, केवल प्रदेश नेतृत्व में तमाम लोगों को लेकर, आप देखिए ना आदित्य साहू से लेकर प्रदीप वर्मा, तमाम लोगों पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो
प्रदेश अध्यक्ष पर जो रांची ऑफिस में बैठकर जो ये लोग पार्टी चला रहे हैं, इनकी पब्लिक में और कार्यकर्ताओं में क्या समर्थ है और क्या ये कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय हैं, या सिर्फ वहाँ से बैठकर सिर्फ आदेश चला रहे हैं या सिर्फ ऑर्डर चला, ये इनकी चुनाव में क्या भूमिका रही, अब कार्यकर्ता इनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं, अब इस पर फैसला बीजेपी को लेना है कि वो क्या करती है। बीजेपी के लिए अगर वो हटाती है तब भी ये सवाल पूछा जाएगा, और ये भी है कि नहीं भी हटाती है तब भी कार्यकर्ता आपसे सवाल पूछेंगे। ऐसी परिस्थिति में बाबूलाल क्या करेंगे, जहां आपने देखा कि सर देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की मांग की है, क्या बाबूलाल मरांडी भी कुछ बड़ा एक्शन कुछ ले सकते? ऐसी स्थिति तो झारखंड में नहीं लग रहा है किसी भी नेता में कि वो अपनी नैतिक मतलब विचार चल रहे, विरोध चल रहा है, विरोध चल रहा है, लेकिन कोई भी जो अपने पद से हटने की स्थिति में नहीं है, ना वो हटना चाहता, जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। उसको पता है कि बड़ा मुश्किल से पद मिला है, अगर हमने अगर ऐसा ये कर दिया, कोई भी अब उस स्थिति में नहीं है बाबूलाल या कोई भी मरांडी की। एक बार इस्तीफा देकर, आपको याद है कि जब उन्होंने बीजेपी छोड़ा था और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर फिर से उपचुनाव अपने बल पर लड़के कोडरमा से सांसद बने थे, तो वो आज स्थिति नहीं है कि आप खुद को मतलब ये देखें और इस्तीफा के पेशर्स करेंगे और आप उदाहरण पेश करेंगे। ये आज का माहौल में उस समय बहुत आगे निकल गया है, और हमें नहीं लगता कि झारखंड में बीजेपी के अंदर या बाकी नेतृत्व जो हार की खुद की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा के पेशकश करने वाला है, जब तक कि केंद्रीय नेतृत्व तो उसे कहे नहीं कि आप अपने पद से हट जाइए, आप किसी और काम में लगिए। अब हमें लगता है कि बीजेपी के पास जो है वो क्या आदिवासी किसी नए चेहरे को प्रोडक्ट करेगी, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जो रिजल्ट आया है उससे मैसेज तो गलत गया है कि आदिवासी समाज ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया है। कुछ ऐसे नाम जो बाबूलाल मरांडी के बाद बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, अभी तो जैसे हमने कहा कि अर्जुन मुंडा आपके, देखिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े चेहरे हैं, चुनाव अभी आपको पता है हार गया है, तो वो कैबिनेट में नहीं जाएंगे, तो क्या उन्हें स्टेट की राजनीति में लौटाया जाएगा? और कई ऐसे नाम हैं, तो वो है कि क्या आदिवासी पर ही बीजेपी ये लगाती है या गैर आदिवासी को, ये भी है कि क्या उस स्थिति में गैर आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए फिर बात वही होगा कि जब सीता सोरेन या गीता कोड़ा या तमाम आप लोगों को, इसलिए कि जो पार्टी में बात ये हो रही कि आप बाहर के चेहरे पर ही क्यों, जिन लोगों को अपने बाहर से लाया उन्हीं पर क्यों आप भरोसा जता रहे हैं,